नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी आई थी जवान, जिसने एक लीगल प्रोपोजिशन हम सबको बताया था। तो वो प्रोपोजिशन क्या है और क्या वो सही है कि गलत, हम वो देखेंगे। यू मे वॉच दिस क्लिप। शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? इन दैट केस वी कांट प्रोसीड विद द हैंगिंग टुडे। इंडियन लॉ के मुताबिक अगर मुजरिम प्रेग्नेंट हो तो उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता उसे फांसी नहीं दी जा सकती। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो भी ये लॉ हमें यहाँ पर बताई गई है ये सही है या गलत है, अगर है भी तो ये कहाँ दी हुई है, कौन सी ऐसा सेक्शन है जो बताता है। तो हमें इसके रेलिवेंस को समझने के लिए वी हैव टू स्टडी सेक्शन 416 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो क्या बोलता है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये बोलता है, इफ अ वुमन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट द हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया गया, एक एक्सप्रेशन यूज किया गया है शैल। ये 2008 के अमेंडमेंट के पहले नहीं था। 2008 के अमेंडमेंट के पहले हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन होता था कि अगर आफ्टर गिविंग डेथ सेंटेंस लगता था कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ये डिस्क्रिशन होता था हाई कोर्ट के पास में कि कितने टाइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट को पोस्टपोन करना है, डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन करना है या करना भी है कि नहीं करना है। लेकिन अब आफ्टर 2008 जो अमेंडमेंट आया था, जो इन्फोर्स में आया था 31st of December 2009 से, इट इज बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट टू नॉट ओनली पोस्टपोन द कैपिटल पनिशमेंट बट टू कम्यूट दैट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इसकी जेनेसिस को भी समझना होगा। आप सभी लोगों ने सुना होगा जब राजीव गांधी मर्डर केस आया था उसमें 4 अक्यूज्ड थे और एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास आया था जिसका नाम था स्टेट वर्सेस नलिनी 1999 वॉल्यूम 5 SCC पेज नंबर 253। उस केस में 4 अक्यूज थे और उन 4 अक्यूज में एक अक्यूज थी नलिनी, हु वॉज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट आफ्टर गिविंग डेथ सेंटेंस। जब मैटर वो सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बैठती है और उस फुल बेंच में 2 जजेस कन्फर्म कर देते हैं डेथ सेंटेंस को, बट देर वॉज वन जज जस्टिस केटी थॉमस हु क्रिटिसाइज दैट एंड सेड दैट वाई अ चाइल्ड इन वूम शुड सफर द मिस्टेक कमिटेड बाई हर और हिज पेरेंट्स। द ओपिनियन गिवन बाई द डिवीजन बेंच हैड टू बी प्रिवेल्ड। बट उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है इन द ईयर 2000 इन रिलाइंग ऑन द डिसेंटिंग ओपिनियन गिवन बाई जस्टिस केटी थॉमस, जहां पर तमिलनाडु की सरकार स्टेट गवर्नमेंट एक रिकमेंडेशन देती है तमिलनाडु के गवर्नर को कि नलिनी क्योंकि प्रेग्नेंट थी इसलिए उनकी डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाए लाइफ इंप्रिजनमेंट में, और वो कर दिया जाता है। एंड देन इसका रिफ्लेक्शन हमें 2008 और 9 के अमेंडमेंट में मिलता है। तो अब लॉ बहुत क्लियर है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू गिव वन सजेशन टू ऑल माई लॉ फ्रेंड्स, ऑल द लॉ स्टूडेंट्स, कि जब भी हम मूवीज में कोई भी ऐसे सीन देखें हमें लॉ के पॉइंट को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है और हमें उसमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू टुमारो।